आईपीएल 2019 का 17वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 5 अप्रैल को बेंगलोर के M.Chinnaswamy स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही टीमों का बिल्कुल होनेस्ट टीम कंपैरिजन करने वाले हैं और यह जानने वाले हैं कि जब यह दोनों ही टीम आपस में मैदान में भिड़ने वाली है तो कौन सी टीम का पलड़ा इन दोनों में से ज़्यादा भारी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी यह सारी बढ़िया जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी इस मुकाबले में अपनी फेवरेट टीम की जीत चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और क्रिकेट और आईपीएल की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग करने वाले हैं सुनील नारायण और क्रिस लिन। और दोस्तों वहीं आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे विराट कोहली और पार्थिव पटेल। दोस्तों यहां दोनों ही टीमों के पास तगड़े तगड़े पावर हिटर्स की कमी नहीं है, परंतु दोस्तों अकेले विराट कोहली के होने से ही यहाँ पर आरसीबी का पलड़ा केकेआर पर थोड़ा सा भारी जरूर रहने वाला है। और दोस्तों इसी वजह से ओपनिंग के मामले में यहाँ पर आरसीबी को मिलते हैं 100 में से 60 पॉइंट और वहीं कोलकाता को बचे 100 में से 40 पॉइंट। दोस्तों अब अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो केकेआर के लिए मिडल ऑर्डर में उतरेंगे रोबिन उथप्पा, नितिश राणा, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल और साथ ही साथ आंद्रे रसल। और दोस्तों वहीं आरसीबी के लिए उतरेंगे एबी डिविलियर्स, शिमरॉन हिटमायर, शिवम दुबे, मार्कस टॉयनिस और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर। तो दोस्तों यहां पर मिडल ऑर्डर के मामले में भी रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की टीम कोलकाता नाइटर्स के ऊपर भारी जरूर पड़ने वाली है। दोस्तों इसी वजह से तगड़े तगड़े पावर हिटर्स होने की वजह से आरसीबी को मिडल ऑर्डर के मामले में भी यहां पर मिलते हैं 100 में से 55 पॉइंट्स और केकेआर को बचे 100 में से 45 पॉइंट। दोस्तों अब अगर लोअर ऑर्डर की बात करें तो केकेआर के लिए उतरेंगे नंबर 8 पर पीयूष चावला, नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा। और दोस्तों वहीं आरसीबी के लिए लोअर ऑर्डर में उतरेंगे नंबर 8 पर नेथन कुल्टन नाइल, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर यूजी चाहल। तो दोस्तों यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास दो बड़े ही क्वालिटी स्पिनर्स होने की वजह से केकेआर की टीम आरसीबी के ऊपर थोड़ी सी भारी जरूर लग रही है। दोस्तों इसी वजह से लोअर ऑर्डर के मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आरसीबी के ऊपर थोड़ी सी भारी जरूर पड़ने वाली है। इसी वजह से दोस्तों केकेआर की टीम को यहां पर मिलते हैं 100 में से 60 पॉइंट और आरसीबी को बचे 100 में से 40 पॉइंट। तो दोस्तों अब अगर ओवरऑल कंपैरिजन को देखें तो यहां पर दोस्तों आरसीबी का पलड़ा केकेआर की टीम के ऊपर थोड़ा सा भारी जरूर लग रहा है, परंतु दोस्तों केकेआर के पास भी ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है जो शायद एक बार फॉर्म में आ गए तो वो भी अपनी टीम को जीत दिलाने में अकेले ही काफी है। तो दोस्तों यह तो पक्का है कि जब यह दोनों टीमें उतरेगी तो हम एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जरूर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है यह मैच, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिकेट और आईपीएल की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।